नमस्कार, TV9 या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. मी स्निखिल. राज्यात कोरोनाचं थैमान सुरू आहे, मात्र वर्ध्यासह काही ठिकाणी याच कोरोना संकटाचं संधीत रूपांतर केलं जात आहे. तर नागपूर सारख्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी जगविक्रमी प्लाझ्मा थेरपीची तयारी सुरू आहे. या कोरोना संकटात कुठे सकारात्मक गोष्टी घडतायत, तर कुठे धक्कादायक घटना. पाहूया महाराष्ट्रामध्ये नेमकं कुठे काय घडतंय. महाराष्ट्रात कोरोना थैमान वाढत असताना नागपूरमध्ये जगात सर्वात we'll be right back.
अचानक उपकाय कर जीते क्या हुआ क्या हुआ राम माँ देखिए इंतजार की हद हो गई अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए मिलान तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा इजाजत है पहली तारीख में ये कहा गया कि दामिनी पागल है उसे पागलखाने भेज दिया जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का जबकि इस अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की उसका खून हुआ है और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्डा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं ये है जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू